ये रैली जो लखनऊ के लिए निकली है, इसमें युवाओं का भी आपने उत्साह देखा, आप बुजुर्ग का भी जो है उत्साह देख लीजिए। आपका नाम क्या है सर? राम प्रताप त्रिपाठी। अच्छा, सजनवा विधानसभा। औरतें कहती हैं कि मोदी जी और योगी जी नवंबर तक राशन फ्री किए हैं। अच्छा। और झोला नहीं ले जाओगे तो राशन नहीं मिलेगा। अच्छा। मोदी जी और योगी जी का फोटो उस झोले पर छपा हुआ। अच्छा। जी तो झोले में राशन नहीं है क्या? झोला नहीं गया तो राशन नहीं मिला। अच्छा, वो जिसमें छपा हुआ है? हाँ, जिस पर दोनों लोगों का, माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का फोटो छपा हुआ झोला। अगर आप नहीं ले गए तो राशन नहीं मिलेगा। मतलब फोटो पे झोला, झोले पे फोटो नहीं तो राशन नहीं? नहीं, बस। तो ये औरतें यही कहती हैं। अच्छा। नौजवान यही कहता है। अच्छा। कि बाबू झोला भुला गए ली, राशन ना मिलल, घूम के वापस चलिए। और 15 लाख जो वादा किए थे मोदी जी? अरे वो तो झूठा वादा, झूठा वादा। नहीं मिलेगा? ना ना ना, मतलब 15 लाख का सपना दिखा करके कभी नहीं मिलेगा, न मिला है न मिलेगा। राशन पे ला के पटक दिया? राशन पर नवम्बर, नवम्बर तक, नवम्बर तक दीपावली में दिए और झोला भी छूट जा रहा है। तो राशन औरतें बच्चों को लेकर, युवा सब उदास होकर लौट आ रहे हैं, राशन नहीं मिला। अगर झोला छूट गया मोदी जी योगी जी को कंधे पर नहीं उठाए। अच्छा। तो राशन नहीं मिलेगा। तो ये चाचा कह रहे हैं कि अगर राशन वाले झोले पे मोदी और योगी जी का फोटो नहीं है तो राशन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अच्छा, ये बताइए आपको क्या लगता है, आपकी योगी जी रहेंगे या? अब योगी जी का परिवर्तन तो होना निश्चित है। अच्छा। योगी जी अगर, युवा और नौजवान और बुजुर्ग माता पिता अगर जग गए तो योगी जी को रहना नहीं। अच्छा। पूरे मोदी जी का, मोदी जी तो अभी 2024 में उनकी भी अंगड़ाई हम लोग देखेंगे। अच्छा, तो ये रुख है युवाओं का। और विदाई तो है, पक्का है योगी जी का? पक्का है? हाँ, पक्का है। कहाँ है भाई? हम लोग नहीं पसंद करते हैं, बस शौक सीधी बात। अच्छा। हाँ, मतलब जो युवा पसंद नहीं कर रहे हैं? हाँ, लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम संत कबीर नगर के रहने वाले हैं। संत कबीर नगर के रहने। योगी जी का जो संसदीय क्षेत्र था उसके बगल में के ये रहने वाले हैं, संत कबीर नगर से। संत कबीर नगर में कौन है गांव से? भैया हम जो है लोहरौली ग्राम सभा से। अच्छा, लोहरौली ग्राम सभा से हैं। तो ये कह रहे हैं कि मतलब आप देखिए कि योगी जी का गोरखपुर, अभी आपने गोरखपुर के लोगों का स्टेटमेंट देखा, अब ये उत्तर गोरखपुर के जस्ट बगल में जो संत कबीर नगर, ये कह रहे हैं कि योगी जी के मतलब राज्य में कोई काम नहीं। हम नहीं पसंद करते हैं। एक बात और बता दीजिए, अभी बाढ़ आई थी, बताइए। योगी जी बोले थे कि हम रास्ते को जो है गड्ढा मुक्त बना देंगे। तो कहीं देख रहे हैं आप जो है खबराते हुए हम गाड़ी लेके आ रहे हैं। अच्छा, आप गाड़ी चलाते हैं क्या? हम बस लेके हम ही आ रहे हैं। अच्छा, बस आप ही लेके आ रहे हैं, मतलब गड्ढा पटा नहीं है? अरे भाई जो है हम कोई गलत बोलेंगे नहीं। ऐसा ऐसा मोटरसाइकिल गिर जाती है नहीं बूढ़ा, आज के तीसरे दिन का ये कांड है। तीन लड़के बाइक से मर गए गड्ढे की वजह से। गड्ढे की वजह से? जो गड्ढे की बात आप कर रहे हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जो गृह क्षेत्र है, मात्र उससे 500 कदम आप चलेंगे, नई रोड बनी है जो मेडिकल को जोड़ती है, नखाव और ब्रिज, वहाँ से अगर आप चलते तो कम से कम आधा घंटा लग जाएगा, इतना बड़ा बड़ा गड्ढा हो गया है। अच्छा। इनका गृह क्षेत्र है और इनका जो है वार्ड क्षेत्र भी है, यहीं से पार्षद भी चुनते हैं। अच्छा। योगी जी। अच्छा। और रही से आप कह रहे बीजेपी की बात, तो जब से ये आए हैं तो जनता इनके बारे में जान चुकी है। ये कहेंगे अगर हम यहाँ सजनवा पर खड़े हैं तो कहेंगे कि खैलाबाद चलिए, आपको जलेबी पूरी खिलाएंगे। और जब खैलाबाद जाते हैं तो कहते हैं कि बस्ती चलिए, वहाँ आपको बिरयानी खिलाएंगे। और उसके बाद जब बढ़ते तो बढ़ते जाता है, पता चला कि लास्ट में आते आते चुनाव आते आते कहीं अखबारों में तो खूब निकलता है कि योगी जी का बड़ा बड़ा फोटो। अखबार वाले तो निकालते ही, अखबार वाले डरे हुए हैं, अखबार वाले डरे हुए हैं, इसलिए डरे हुए हैं कि कहीं अगर हम लिख देंगे इनके खिलाफ तो हमारे घर छापा पड़ जाएगा, इसलिए डरे हुए हैं, उनके कहने पर ही चल रहे हैं ये लोग। अखबार और मीडिया वाले तो अखबार और मीडिया, अरे आप बता रहे हैं ना, तो आप भी देख रहे होंगे ना, गांव-गांव जा रहे होंगे, गली मोहल्ला में जा रहे हैं, आप तो देखते होंगे कहाँ सुरक्षित है कौन नहीं है। बीजेपी में जब इनकी सरकार बनी तो ज्यादा हिंदू मारे गए, सपा की गवर्नमेंट बनी तो उसमें ज्यादा मुसलमान मारे गए, ये इनका एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अच्छा, चाहे वो। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी 2022 में? जनता जान चुकी है कि हम किसके साथ, हम किसके साथ हैं, हमको कहाँ जाना है, ये जनता जान चुकी है कि ये खैलाबाद में जलेबी खिलाएंगे
और बस्ती जाके बिरयानी खिलाएंगे। लखनऊ जाके पता चला कि वहाँ लाठी मारते हैं। बहन जी की सरकार बनेगी, एकदम बनेगी, क्योंकि कानून का राज स्थापित होता है। 12 बजे रात को भी हमारी माँ बेटियाँ बहनें जहाँ जाती हैं तो आजाद हो जाती है, सुरक्षित रहती है। और आज इनके क्षेत्र में, गृह मंत्री के क्षेत्र में प्रियंका कुमारी मारी गई, इनके दबाव से उसका पीएम रिपोर्ट बदला, सब सब देख लीजिए। मनीष गुप्ता वाला देखे, इनकी पुलिस जो है सामने आ गया, पूरा फुटेज आ गया कि हाँ किस तरह से लोगों को प्रदेश में जो बाहर से आए हुए हैं गोरखपुर घूमने के लिए, उनको किस तरह से मारा जा रहा है। ठीक है, तो इनका कहना है कि शासन प्रशासन एकदम से, मतलब कि कोई काम नहीं हो रहा है, ना ही विकास हो रहा है और ना ही शासन प्रशासन चल रही है। तो इनका कहना है कि अब की बार बहन जी की सरकार बनेगी और उनके सरकार में जो है शासन प्रशासन सुव्यवस्थित ढंग से चलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।